पुराना दिल्ली है, सब तेरे नाल साडा है पुराना दिल्ली है। सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल चाल है जी। तुसी देख रहे हो तुहाडा अपना जट बाबे टैलीविजन। दोस्तों एक बार फिर तो हाजिर हो चुके हैं इस समय दीआं कुछ होर वड्डियां अते खास अपडेट्स लैके। तां दोस्तों बिना देर किते शुरू करदे हां वीडियो अते गल करदे हां दोस्तों किसान अंदोलन दी। दोस्तों तुहानू तां पता है कि किसान अंदोलन इस समय अपने आखिरी पड़ाव दे उपर पहुँचता होया दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों 20 दिन के आस पास तो दिल्ली बंद पई है, किसानों ने घेर रखी है। दोस्तों तुहानू दस दिए कि जदों भी कुछ बंद हुंदा है तां उसका रिजल्ट हौली हौली देखण नू मिलता है। इस करके दोस्तों हुण कहा जा रहा है कि दिल्ली दे विच भी दिक्कतां आउणियां शुरू हो गईआं हन। दोस्तों चाहे गौरमेंट किसानां नूं नहीं बुला रही, हाले कोई गलबात नहीं हो रही, पर दोस्तों तुहानू दस दईए कि सरकार अंदरों अंदरी इस अंदोलन नूं फेल करना चाहुंदी है। एक विवाद भी खड़ा करा दिता है परसों सरकार ने। दोस्तों जिस तरह के तुसीं जानदे हो कि बलबीर सिंह राजेवाल ने एक स्पीच दित्ती सी, जिस दे विच के उन्होंने कहा सी कि इस अंदोलन दे विच कुछ तब्दीलियां करन दी लोड़ है, क्योंकि कुछ लोग जां फिर गोदी मीडिया इस अंदोलन नूं खालिस्तान दे नाल जोड़ रही है। दोस्तों बलबीर सिंह राजेवाल ने जिस तब्दीलियां दी गल कीती उन्हां नूं लैके ही एक विवाद हो गया, अते बलबीर सिंह राजेवाल दा कहना है कि यह सब बीजेपी के आई टी सैल ने किया है, उन्होंने ही उन्होंने यह विवाद खड़ा किया है। दोस्तों असल दे विच किस तरह का यह विवाद सी वह भी तुहानू दस दिने। एक पोस्ट वायरल हुई सी जिस दे विच के कहा गया सी कि बलबीर सिंह राजेवाला बिक गए हैं, क्योंकि दोस्तों उन्होंने उपर यह इल्जाम लगे सी कि उन्होंने निहंग सिंघां नू कहा है कि इस अंदोलन तो पिछे हट जाओ, वापस चले जाओ। अते दोस्तों नाल ही बलबीर सिंह राजेवाल दे उपर एक इल्जाम यह भी लगे सी कि बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा है कि अंदोलन दे विच निशान साहब ना लगाओ। नाल ही दोस्तों बलबीर सिंह राजेवाल दा कहना है कि उन्होंने कहण दा मतलब यह नहीं सी, यह जान बुझ के एक कॉन्ट्रोवर्सी पैदा करेगी है बीजेपी के आई टी सैल द्वारा। खैर दोस्तों चाहे कुछ भी होया होवे पर इस दे विच किते ना किते विवाद खड़ा हो गया है, माड़ी मोटी ठेस तो पंजाबियों के दिल नूं भी पहुंची है। पर दोस्तों अपने वास्ते अंदोलन जितना बहुत जरूरी है, यह छोटिया मोटिया जो गल्लां ने पंजाब आके देख लवांगे। अते दोस्तों यह सब कुछ देखते हुए पंजाबी संगीत इंडस्ट्री के लोगों का भी कहना है कि इहो जिहे विवाद हाले ना छेड़ो, क्योंकि अगर आपां एक वारी लीह तो भटक गए तो अपने वास्ते बहुत मुश्किल हो जाएगा, अते सरकारां इह ही चाहुंदियां हन। इस नूं लै के दोस्तों प्रभगिल जो कि पंजाबी गायक हन उन्हां दी भी एक पोस्ट सामने आई है। आओ एक निगाह मारदे हां कि आखिर प्रभगिल ने की लिखा है। दोस्तों पंजाबी गायक प्रभगिल जो कि इस अंदोलन नूं शुरू तो ही सपोर्ट कर रहे हैं, अते दोस्तों प्रभगिल ने हुण जो पोस्ट लिखी है उस दे विच प्रभगिल लिखते हैं कि यही तो वह चाहते हैं कि किसान आपस विच लड़ना, किसानी मुद्दे तक ही सीमित रहो वीरो, हाले आपां नूं पाड़न दी होर भी कोशिश की जाएगी। अते अगे इन्होंने लिखा कि एकता विच ही बल है, बाबा मिहर करे। दोस्तों जिथे कि हुण तक पंजाब नूं, पंजाबियों नूं, पंजाबीयत नूं, अंदोलन नूं, किसानां नूं बहुत सारे एक्टर ने सपोर्ट की है, बहुत सारे एक्टर इस दे हक विच आके खड़े हुए ने, आवाज़ बुलंद की है। पर दोस्तों उत्थे ही कुछ ऐसे भी लोग ने जो कि पंजाब दे तां रहण वाले हन पर पंजाब दे अंदोलन नूं कदे भी सपोर्ट नहीं कीती। दोस्तों इन्हां दे विचों वैसे तो बहुत सारे नाम हन अते इह अपने आप नूं पंजाबी दसदे हन अते बड़े मान नाल स्टेजां दे उपर खड़ के कहिंदे हन कि असी पंजाब तो हाँ जां फिर असी पंजाबी हाँ। दोस्तों इस दे विच जो असी ने सब तो पहला नाम शामिल किया है यह है कपिल शर्मा दे नाल काम करने वाले सुनील ग्रोवर का, जो कि दसदे हन कि वह डब वाली तो हन, जाने के दोस्तों अपने आप नूं पंजाब दा दसदे हन। पर दोस्तों असी ने इन्हां दे ट्विटर दे उपर देखिया कि इन्होंने हाले तक कोई भी किसानों की सपोर्ट के पोस्ट नहीं पाई है। बिल्कुल दोस्तों इन्होंने अकाउंट के उपर एक भी ऐसी पोस्ट नहीं मिली जो कि इन्होंने किसानों के हक में करी हो। दोस्तों अगर यह भी किसानों सपोर्ट कर देंगे तो किसानों के अंदोलन में थोड़ा बहुत फायदा होना सी, क्योंकि दोस्तों इस मुंडे को भी बहुत लोग फॉलो करते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सुनील ग्रोवर जी भी जल्द ही जागणगे, वह किसानों के हक में पोस्ट करनगे, अपने जो पंजाबी होने का फर्ज है वह भी निभाउणगे। दोस्तों उस तो बाद गल कर लेने जी आपां बॉलीवुड दे स्टार चुलबुले एक्टर रणवीर सिंह दी। दोस्तों तुहानू दस दिए कि रणवीर सिंह जो है वह भी अपने आप नूं बड़े मान नाल दसदे हन
कि वह पंजाबी हैं, पर दोस्तो उन्होंने भी पंजाबी होने का फर्ज हाले तक नहीं निभाया। दोस्तों रणवीर सिंह तो वैसे भी अपने पंजाबी मुंडे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये अक्सर ही कहते हैं कि वह अपनी गड्डी दे विच पंजाबी गाने सुनते हैं जां फिर सिद्धू मूसेवाले दे गाने सब तो वध सुनते हैं। अते दोस्तों इत्थे ही अपने पंजाबी मुंडिया का कहना है कि अगर रणवीर सिंह इन्ने ज़्यादा पंजाबी गाने सुनते हैं, सिद्धू मूसेवाले नूं फॉलो करते हैं, तो उन्होंने हाले तक किसानों के हक में पोस्ट क्यों नहीं की? क्योंकि दोस्तों अगर वह सिद्धू मूसेवाले नूं फॉलो करते हैं, देखे गए ने कई बार सिद्धू मूसेवाले दे लाइव दे विच आके भी उन्होंने कमेंट किए हैं, तो दोस्तों सिद्धू मूसेवाला कई बार इस मुद्दे के उपर लाइव हो चुके हैं, तो दोस्तों रणवीर सिंह नूं भी कोई ना कोई ट्वीट करके किसानों की सपोर्ट जरूर करनी चाहिंदी सी। क्योंकि दोस्तों इन्ना तां साफ है जिहड़ा अज दे टाइम विच पंजाबियां नाल नहीं खड़िया, चाहे वह नेता होवे जां अभिनेता, उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा पंजाब दे विचों। तां दोस्तों उम्मीद करते हैं कि भाई रणवीर सिंह भी जल्दी जागणगे अते उह अपने पंजाबी होण दा फर्ज निभाउणगे अते पंजाबियां दे टुटे हुए दिल नूं संभालण दा काम करनगे। तो फिर दोस्तों वध्दिआं अगे गल करांगे मैडम कंगना रनौत की। जिस तरह कि तुहानूं पता है कि मैडम जी की कुछ दिन पहलां तक दलजीत दे नाल कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी, दोस्तों कल्ले दलजीत नाल की आए दिन इन्हां दी कॉन्ट्रोवर्सी तां किसी ना किसी दे नाल चलती ही रहती है। पर दोस्तों इन्ना है कि दलजीत दोसांझ ने इन्हां नूं जवाब बहुत सोहणा दित्ता सी। अते दोस्तों हुण तुहानूं दस दईए कि कंगना रनौत का कुछ महीने पहला अभिनेता रितिक रोशन के नाल भी एक विवाद होया सी, अते दोस्तों इन्हां दी गल तां कोर्ट कचहरियां दे तक भी पहुँच गई सी। अते दोस्तों उस समय यह मामला शांत हो गया सी, पर दोस्तों इन्हां ने एक दूजे के खिलाफ FIR दर्ज जरूर करवाई सी, पर दोस्तों वह बिच ही लटक रही सी। पर दोस्तों हुण एक होर खबर सामने आ रही है जिस दे नाल के कंगना रनौत फसदी हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों कल शाम नूं एक न्यूज़ ब्रेक हुई जिस दे नाल के कंगना नूं भी झटका लगा। दोस्तों वह न्यूज़ यह सी कि साल 2016 विच रितिक द्वारा एक FIR दर्ज कराई गई सी जो कि हाले तक साइबर सैल दे कोल सी। पर दोस्तों हुण रितिक की शिकायत के उपर कार्रवाई करेगी क्राइम इंटैलीजेंस यूनिट जिसनों कि कल ही इन्हां दे कोल भेजा गया है। अते दोस्तों तुहानूं दस दईए कि यह खबर ब्रेक होने तो बाद कंगना रनौत के दिल में भी सुकून नहीं मिल रहा अते वह बहुत ज़्यादा परेशान है। इसे नूं लैके दोस्तों उन्होंने एक पोस्ट लिखी जिस दे विच कंगना रनौत ने लिखा कि देख लो रितिक रोशन की सुझ, हुण तां बहुत साल हो गए ने साडा रिश्ता टुटे नूं अते उसका तलाक भी हो चुका है, पर वह अगे वधण तों इनकार करदा है। जदों मैं अपनी जिंदगी दे विच अगे वधण दी कोशिश करदी हां, सब कुछ भुलण दी कोशिश करदी हां, तां उह फिर तो इस दी शुरुआत कर दिंदा है। जण के दोस्तों साफ साफ है कि अंदोलन दे उपर बोलण तों बाद दलजीत दे नाल पंगा लैण तों बाद एक बार फिर तो कॉन्ट्रोवर्सी दे विच फस गई है कंगना रनौत। क्योंकि दोस्तों यह तो होना ही सी, तुसी किसे गरीब का जदों मजाक उड़ाने हो, अंदोलनकारियों का मजाक उड़ाने हो जो कि ठंड दे विच बैठे ने, अते बजुर्ग औरतों का मजाक उड़ाते हुए कहने हो कि 100-100 रुपया लैके अंदोलन दे विच शामिल हो रही ने, तो फिर दोस्तों करनी तो मूहरे आनी ही सी, करमा भी हिसाब मंगता है। अते दोस्तों तुहानू दस दईए कि दो कु दिन पहला असी ने तुहानू दस्या सी कि अजय देवगन वैसे तो फिल्मों दे विच सरदार बन जाते हैं, सिख बन जाते हैं, पग बन के, पर दोस्तों उन्होंने हाले तक पंजाबियों के लिए नहीं बोलिया, अंदोलन के लिए कोई भी ट्वीट वगैरह नहीं किया। अते दोस्तों हुण एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिहड़ा कि स्क्रीनशॉट तुसी अपनी स्क्रीन के उपर देख रहे हो, यह एक हिंदी न्यूज़ चैनल है। अते दोस्तों इन्हां दे हवाले नाल असी तुहानू दस रहे हां कि अजय देवगन ने हुण एक बयान दिता है जिस दे विच कि उन्होंने अंदोलन की सपोर्ट करी है, पंजाबियों की सपोर्ट करी है। दोस्तों इन्हां दे मुताबक अजय देवगन ने कहा है कि वह अंदोलन सपोर्ट करते हैं, सिख भाईचारे को सपोर्ट करते हैं, इन्हां दीआं मंगां जल्द तो जल्द मननियां चाहीदियां ने। अते दोस्तों इस तो अगे वधदे हुए अजय देवगन ने कहा कि जिथे मैं पंजाबी हाँ उत्थे नाल ही मैं कई फिल्मों के विच पग बन के सरदार की भूमिका निभा चुका हाँ। अते अजय देवगन ने कहा कि इस सर्दी दे विच इन्हां दा हल जल्दी तो जल्दी करना चाहिदा है। तां दोस्तों यह भी बहुत वड्डी गल है कि अजय देवगन ने भी हुण किसानां नूं सपोर्ट कर दित्ती है। उत्थे ही दोस्तों तुहानूं अपनी लास्ट अपडेट दे विच दस दईए कि सिद्धू मूसेवाला अते अमृत मान दी कल मुलाकात हुई अते इस मुलाकात दीआं कुछ फोटोआं सामने आईआं ने। अते दोस्तों कहा तो यह भी जा रहा है कि इस मुलाकात के जो मायने हैं वह यह हैं कि इन्हों का आने वाले दिनों दे विच एक गीत बंबीहा बोले 2 भी दर्शकों को सुनने मिल सकता है। बाकी दोस्तों यह तो हुण आने वाले दिनों दे विच ही पता चलेगा कि आखिर यह दोनों कलाकार मिलकर होर कि सप कटते हैं।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟਸ। ਅਗਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟਾ, ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਟ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਜੱਟ ਬਾਬੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।